Hey guys, hello. My name is Annie Khan, owner and operator at Annie Khan's Beauty Studio. The concept of skin peel is an alien concept to a lot of you people. I know ये concept आप लोगों को clear नहीं है. तो आज इस video में हम बात करेंगे. मैं explain करूँगी थोड़ा सा short में कि एक skin peel treatment होता क्या है. अगर आप interested हो तो keep watching the video. सो अ स्किन पील ट्रीटमेंट इज़ अ केमिकल एप्लीकेशन. ये केमिकल इतना हार्श नहीं होता है कि वो आपके स्किन को डैमेज करे. इंस्टेड दिस केमिकल इज़ गुड फॉर योर फेस. फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, इट इज़ अ केमिकल, लेकिन वो केमिकल हमारे माउथ के अंदर जाने के इतना वो हेल्दी है, इट इज़ नॉट दैट बैड. सिमिलरली अ स्किन पील इज़ अ केमिकल पीलिंग ट्रीटमेंट जो आपके फेस को बहुत ज़्यादा ग्लो देता है. आपका जो फेस का इश्यूज़ है, एक्ने इश्यूज़ है, पिगमेंटेशन इश्यूज़ है, किसी का डल स्किन है, उन सारे स्किन प्रॉब्लम्स को ये एडहर करता है. एंड दीज पीलिंग ट्रीटमेंट्स गिव अ रियली गुड रिजल्ट टू योर स्किन. अब हम बात करेंगे कि ये जो स्किन पील ट्रीटमेंट है ये किन चीज़ों के ऊपर वर्क करता है. तो सबसे पहले पिगमेंटेशन. पिगमेंटेशन का मतलब होता है फेस पे पैचेस बन जाना ब्लैक कलर के. नॉर्मली मेल स्किन पे और फीमेल स्किन पे, एजड स्किन पे बहुत ज़्यादा होता है. सेकेंडली सन टैन, धूल मिट्टी सन के वजह से जो आपके स्किन के ऊपर थोड़ा बहुत डलनेस आ गया है, स्किन पील उसके ऊपर वर्क करता है. एक्ने के ऊपर स्किन पील बहुत अच्छा वर्क करता है. अंडर आई डार्कनेस के ऊपर स्किन पील बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. लिप का पिगमेंटेशन, बहुत सारे लोग हैं जिनको लिप्स के ऊपर ब्लैकनेस आ गई है, पूरा लिप काला पड़ गया है ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू वेरियस अदर इश्यूज़, उन सारे चीज़ों के ऊपर एंड अ लॉट मोर, ऑफकोर्स अ लॉट मोर. तो इन सारे चीज़ों के ऊपर हमारा स्किन पीलिंग ट्रीटमेंट वर्क करता है. अब हम बात करेंगे कि केमिकल पील्स वर्क कैसे करते हैं. ये जो लिक्विड आप देख रहे हो ये है स्किन पील का ट्रीटमेंट. तो इसको एक ग्लास बोल में लिया जाता है और विद द हेल्प ऑफ कॉटन पैड इसको रिक्वायर्ड एरियाज पे, वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, इसको अप्लाई किया जाता है. एंड देन वी वेट फॉर सम टाइम. जो टाइमिंग वेटिंग पीरियड है दिस डिपेंड्स ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट. किसी सेंसिटिव है, जिस किसकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्श स्किन है, तो हर एक क्लाइंट के हिसाब से हम वेट करेंगे और बस फिर उसको रिमूव किया जाता है. द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल, वेरी सॉर्टेड, नॉट एट ऑल टाइम कंज्यूमिंग. हाइड्रा को टाइम लगता है, फेशियल्स को टाइम लगता है, ब्लीच को 15 मिनट्स 20 मिनट्स रखते हैं, बट केमिकल पील को ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट प्रोसीजर फॉर केमिकल ट्रीटमेंट. अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन टू योर नोटिस कि केमिकल पील्स नॉट ओनली वर्क फॉर फेस, इट वर्क्स फॉर बॉडी एज वेल, स्पेशली फॉर फीमेल्स हु आर सफरिंग थ्रू पिगमेंटेशन इन देयर थाई एरिया, इन देयर अंडर आर्म एरिया. तो इन सब चीज़ों पर बेसिकली आपको फुल बॉडी पे, इंक्लूडिंग योर फेस, योर बॉडी, जिधर भी आपको अनइवन स्किन है, डार्क पैच है, उन सारे चीज़ों के ऊपर केमिकल पील ट्रीटमेंट वर्क करता है. एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग. मैंने रिसेंटली मेरे एक पेशेंट को जिसका एक्ने का इश्यूज था, उनको मैंने केमिकल पील का ट्रीटमेंट दिया. एंड मुझे एक्सपेक्टेड था कि एक 7 डे के ड्यूरेशन में हमारा रिजल्ट आ जाएगा, बट टू माय सरप्राइज उनको सेकेंड डे पे ही रिजल्ट आ गया. आई गेस सेकेंड या फर्स्ट डे पे ही ट्रीटमेंट के उनको रिजल्ट आ गया. आई होप दिस वीडियो क्लियर्ड ऑल द डाउट्स दैट यू हैड विद केमिकल पील ट्रीटमेंट्स. अगर आपको कोई भी और डाउट है तो फील फ्री टू कॉल मी और व्हाट्सएप मी और DM मी. I can be at your service. My salon is open every day 11 to 9 p.m. तो आपको कोई भी ऐसे queries या doubts रहेंगे आप comment कर सकते हो या फिर DM या फिर call कर सकते हो. This is me, Annie Khan. Bye bye. See you in the next video.